clock. अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलू सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाई लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है।
वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है।
फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में
दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का, जिसमें चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से रामूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से
हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाओं की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्लाहो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन
बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफबीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्लाहों में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्लाहों। 200 हल्लाहों बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्शा और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहों शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रख कर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है।
उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। दोस्तों हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बिट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है जाति के बारे में क्या ना बोलू सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाई लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आम उमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी
रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका आवश्यक है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला
आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की वजह अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और
पर कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का, जिसमें चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती। मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से रामूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमशः नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है।
न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से रामुल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था।
यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहों शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रख कर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्लाहों की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्लाहों में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं।
अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्लाहो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण
सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्लाहों में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्लाहों। बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहों शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल
किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका आवश्यक है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की वजह अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से आमूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं आमूल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित
युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहां पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से आमूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी, न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाओं की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमशः नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है। उसका पौरुष प्रतीक
भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से आमूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक आधुनिक और प्रबुद्ध
विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव
असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। दोस्तों हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाई लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान के बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में।
200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्लाहो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर
शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट 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 के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की वजह अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमल पालिकार की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। दोस्तों हल्ला हो कि कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। दोस्तों हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में। दोस्तों हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमशः नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज
बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहां पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की वजह अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से आमूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेनगुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी, न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु, जाने कहां देखे फ्री में। 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दासगुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है, पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है।
वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की वादों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से आमूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है जो वर्षों वर्ष खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है।
फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुरवे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते अमोल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ बीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है, तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी, न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमाने आसमान से हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। ये दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्ला हो की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है जिसका अभाव असर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में
दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्ला हो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिक और प्रबुद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्शक के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। दंगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं। दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामुल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिकाएं सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते आमुल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से अमोल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्ला हो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफ विट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्ला हो में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है। अनोखे बदले की है ये कहानी। न्याय की लड़ाई में दिल जीतते हैं अमोल पालेकर और रिंकू राजगुरु। जाने कहा देखे फ्री में 200 हल्ला हो। 200 हल्ला हो बीते 10 दिन में लगातार चौथी फिल्म है जो सच्ची घटना या व्यक्ति के जीवन से प्रेरित है। खबरें तेजी से सिनेमा में बदल रही है। फिल्म में कल्पना के रुमानी आसमान से
हकीकत की सख्त जमीन पर उतर रही है। निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की ये फिल्म 2004 में नागपुर में हुई एक अद्भुत अभूतपूर्व घटना को पर्दे पर उतारती है, जिसमें वहां के एक इलाके की करीब 200 महिलाओं ने स्थानीय गुंडे बलात्कारी हत्यारे को भारी अदालत में मौत की घाट उतार दिया था। यह दुनिया की दुर्लभ घटनाओं में से एक है, लेकिन 200 हल्लाहों की खूबी यह है कि अपने बिस्तर में सिर्फ अदालत में रावण के वध की कहानी मात्र नहीं रहती, ये उस दलित विमर्श और उसके परिदृश्य को सामने लाने की सार्थक कोशिश करती है, जिसका अभाव अक्सर हिंदी सिनेमा में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में मशान धड़ाक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में दलित कथानक दिखे, लेकिन ये क्रमश नायक नायिका की कहानी में बदल जाते हैं। 200 हल्लाहो शुरू से अंत तक एक समाज के दर्द और आक्रोश को सामने लाने की कोशिश करती है, जो वर्षों बरस खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता। पुलिस और अदालत में न्याय पाने के लिए उसका संघर्ष यहाँ है। न्याय के सामने जाति धर्म का हवाला देना बेकार है, लेकिन कभी कभी ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। न्यायाधीश के सामने नायिका कहती है, जाति के बारे में क्या ना बोलूं सर, जब हर पल हमें हमारी औकात याद दिलाई जाती है। वास्तव में ये फिल्म अधिआधुनिक और प्रवृद्ध विचारों वाले समाज में दलितों पिछड़ों पर होने वाला जघन्य अपराध पर परसरी दिखती चुपती से कई कड़े सवाल करती है। फिल्म के संवाद सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे संविधान में लिखे शब्दों को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं, उनका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और हम आदत हो गए हैं सुबह चाय पीते हुए ऐसी खबरें पढ़ने की और पढ़ कर कुछ महसूस न करने की। कुछ लड़ाइयां लंबी होती है मगर जरूरी होती है। नागपुर के गरीब पिछड़ों की बस्ती राही नगर की 200 महिलाएं एक सुबह स्थानीय कोर्ट में लोकल गुंडे बल्ली चौधरी का जिस्म चाकू कैंची स्क्रू ड्राइवर से छेद देती है, उसका पौरुष प्रतीक भंग कर देती है। पुलिस उसकी जान नहीं बचा पाती, मामला अगड़ी पिछड़ी जाति का बन जाता है। चुनाव सिर पर है और पुलिस को सब जल्दी से सुलटाना है। वो तत्काल राही नगर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर अदालत में आजीवन कारावास की सजा दिला देती है। ऊपर ऊपर मामला जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं। रिटायर्ड जज विट्टल डांगले महिला आयोग द्वारा बनाए कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जांच शुरू करते हैं। यही फिल्म का वो पक्ष है जो दलित विमर्श के पन्नों को धीरे धीरे खोलता है। डांगले खुद दलित है मगर उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत उठने के बाद मरकर नहीं देखा। वो दोषी करार दी गई महिलाओं के लिए लड़ने वाली दलित युवती आशा सुर्वे की बातों से शुरुआत में सहमत नहीं होते, मगर धीरे धीरे स्थानीय स्थितियां बदलती है और उन्हें लगता है कि कानून की आंखों पर बंदी पट्टी को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि आज बंद आंखों से नहीं बल्कि निगाहें चौकन्नी रखकर न्याय करना जरूरी हो गया है। फिल्म बताती है कि दलित बस्तियों के आसपास पुलिस आमूमन कैसी होती है, इस लोगों से उसका बर्ताव क्या होता है, कैसे अपराधी रिश्वत खिलाकर पुलिस को सादे रहते हैं, दलित नेताओं द्वारा अपने को वोट बैंक से अधिक नहीं समझने की तस्वीरें यहाँ पर है। समाज के उत्थान की बात करते हुए अंततः ये स्वयं की सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते है। 200 हल्ला बोल किसी पात्र विशेष की कहानी नहीं है, लेकिन रामूल पालेकर और रिंकू राजगुरु की भूमिका सशक्त है। ये दलितों की दो विपरीत छोर पर खड़ी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिसने तरक्की के बाद अपनी जड़ें छोड़ दी और दूसरी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपनी दुनिया को ही सुंदर बनाना चाहती है। कहानी में अपने समाज की ओर लौटते रामूल पालेकर की वापसी जबरदस्त है। उनका सादा संतुलित अभिनय हैरत जगाता है और उनकी सहज संवाद अदायगी में सादगी का जादू आज भी कायम है। अदालत में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए वो दिल में उतर जाते हैं। अपने बहुत ही दिनों से रामूल पालेकर को नहीं देखे तो वो अकेले ही ये भी देखने का कारण बन सकते हैं। 200 हल्लाहो की कास्टिंग अच्छी है और वरुण सोपती, साहिल खट्टर, उपेंद्र लीमिये, इंद्रनील सेन गुप्ता तथा फ्लोरा सैनी और किरदार में खड़े उतरते हैं। हल्ले यानी हमले की बात करते हुए भी फिल्म शोर शराबा किए बिना अपनी बात रखती है। ये लेखक जोड़ी अभिजीत दास और सौम्यजीत राय और निर्देशक सार्थक दास गुप्ता की सफलता है। सार्थक इससे पहले द ग्रेट इंडियन
बटरफ्लाई और म्यूजिक टीचर जैसी ऑफबीट फिल्में बना चुके हैं। 200 हल्लाहों में हमारा समय की कुछ आवश्यक बातें हैं, इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए जरूरी फिल्म है जो सिनेमा में एंटरटेनमेंट के अलावा भी बहुत कुछ ढूंढते हैं। बात करें इसकी OTT रिलीज को लेकर, तो इसको OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Z5 का सब्सक्रिप्शन है।